गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। रूट ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जादूगर मणिपुर राज्य आज एक नया जादू लेकर के आया हूं। पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों जादू की तरफ चलते हैं।
अब इस जादू का रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो रहस्य की ओर चलते हैं। ये बाहर वाला जो लकड़ी का बना हुआ एक खोखा है, इसके अंदर कोई रहस्य नहीं है और इसका फ्रंट साइड जो है कटा हुआ है ताकि इसके अंदर वाला चीज आर पार दिखाई दे। अब इसके अंदर दूसरा एक टिन है, एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड खुला हुआ है। लेकिन इस सिलेंडर के अंदर इस तरह का एक चैम्बर बना हुआ है। एक साइड में सेम डायमीटर का और दूसरे साइड में इसके डायमीटर से थोड़ा सा कम डायमीटर का एक ऐसा तिरछा सिलेंडर बना करके यहां पर फिट किया हुआ है। अब इस तरफ से देखेंगे तो यहां कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन इस तरफ से हम देखेंगे यहां पर एक चैम्बर है जिसके अंदर हम चीजों को भर सकता है। जैसे कि ये स्प्रिंग फ्लावर्स है, इसको यदि हम इकट्ठा करेंगे तो एक छोटा सा जगह पर ये कंप्रेस हो जाएगा ऐसे। इस तरह से इसको इकट्ठा करने के बाद एक छोटी सी जगह पर कंप्रेस हो जाएगा। इसको लेकर के ये जो चैम्बर के अंदर ऐसे भर देना है और इसका जो धागा है उसको ऊपर की तरफ रखना, और जब इस तरह से सिलेंडर दिखा करने के बाद ऐसा रखते हो, या आप यहां पर भी निकाल सकते हो या इसके अंदर डालकर तब भी निकाल सकते हैं। ये धागा लेकर के इसे खींच लीजिए और ये चैम्बर के अंदर पूरा चारों तरफ इस तरह का स्प्रिंग फ्लावर वगैरह भर सकता है। एक रहस्य हो गया इसके अंदर जो चैम्बर है उसके बारे में। आपको पता चल गया इस चैम्बर के अंदर पूरा स्प्रिंग फ्लावर जैसे छोटे छोटे आइटम्स जो कंप्रेस करके भर सकता है वो इसमें भरा जा सकता है। और याद रखना ये जो साइड है ये कभी भी ऑरेंज की तरफ दिखाना नहीं है, ऐसे ही दिखाना है। इसके अंदर हाथ डाल करके घुमा कर भी दिखा सकते हो। अभी दूसरा इसका रहस्य है ये जो आउटर बॉक्स जो बनाया हुआ है, ये इसके अंदर इस तरह से डाल कर रखता है। जब इसको ऐसे उठाता है तो यहां पर आपको आर पार दिखाई दे रहा है, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर एक और चैम्बर बनाया हुआ है, एक सिलेंडर है, एक बर्तन सा बनाया हुआ है, वो आपको दिखा देता हूं। इस बॉक्स के अंदर की साइड में काला पेंट किया हुआ है जो चमकीला नहीं है, लाइट लगने से चमकने वाला रिफ्लेक्ट करने वाला पेंट नहीं है, रफ पेंट ब्लैक कलर का इसके अंदर किया हुआ है। उसी तरह से ये जो बर्तन है इसका शेप ऐसा कोनिकल बनाया हुआ है क्योंकि ये जब इसको इसके अंदर डालेंगे तो बराबर चला जाए, और यहां पर इसका जो सिलेंडर फिट किया हुआ है जो चैम्बर वो इसी का जस्ट ऊपर से इसका होगा, इसी शेप में जो सिलेंडर है यहां पर है
थोड़ा सा बड़ा है इसे। अब के अंदर पूरा सामान भर सकते हैं हम, बहुत सारे इस तरह का सिल्क के कपड़े इसके अंदर भर सकता है। भरते समय जो ध्यान रखने वाली बात है, इसको इस तरह से भरना है ताकि इस तरह से, ताकि हम यहां से खींचेंगे तो आराम से वो बाहर निकल जाए। तो इसको ऐसा भर देना है, और एक कपड़ा जब भर जाता है तो अगले कपड़े का जो कोना है उसको लेकर इसके अंदर इस तरह से एक हुक सा बनाकर रख देना है, ताकि हम इसको उठाने के बाद जब लास्ट में खींचेंगे तो ये थोड़ा बाहर आकर रुक जाएगा। इसलिए इसको इस तरह से एक हुक बना करके छोड़ दीजिए और फिर अगला कपड़ा उसी ढंग से भर दीजिए, यानी ऐसे उस तरफ मोड़, इस तरफ मोड़, उस तरफ मोड़, उस तरफ मोड़, ऐसे ऐसे इस चैम्बर के अंदर कितना कपड़ा आ सके या कोई और चीज आप भर सकते हो। और इसको निकालने के लिए ये इसके ऊपर डाल देना है, ये इसे डाल देना है। इसको डालने के बाद ही इसको जब ये जब बाहर रहता है तब आप इसको उठाना नहीं है, इसको पहले डालना है उसके बाद इसको उठाना है। तो इस बॉक्स के अंदर काला पेंट किया हुआ है और इसको भी काला पेंट किया हुआ है, इसलिए जब ये ऐसा रहेगा तो ये जो छेद के अंदर से नजर तो आएगा लेकिन वो चीज आपको पता नहीं लगेगा कोई चीज रखा हुआ है। तो दोस्तों इसको ऐसा डाल दीजिए और ये कपड़ा निकाल दीजिए। और दूसरी बात, इसको जब आप बाहर इस तरह से रखते हो तो ये चैम्बर में सामान भरा हुआ रहता है, आप यहां से भी सामान निकाल सकते हो और इसके अंदर से भी सामान निकाल सकते हैं। जब इसके अंदर से सामान निकालते हो तब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा घुमा करके ऐसा कर देना है, उसके बाद इसके अंदर से कपड़ा ऐसा निकालिए। ये हुक जो बनाया हुआ है इसलिए वो हुक जो है अगला कपड़े को भी खींच करके थोड़ा सा एक एंड बाहर फेंक देगा।